हमारा जो जो ग्लोबल टेम्परेचर है वो बढ़ रहा है, ये सब लोगों ने सुनी है, किस किस ने सुनी है वो हाथ ऊपर करें। सिंधुपति महाराजा धारसेन के 1310वें बलिदान दिवस के उपलक्ष में चल रहे कार्यक्रमों की श्रृंखला में आज झूलेलाल मंदिर वैशाली नगर में सिंधी बाल संस्कार शिविर में विद्यार्थियों व युवा कार्यकर्ताओं को जल संरक्षण के साथ वृक्षारोपण का संगोष्ठी में मार्गदर्शन किया। मंदिर अध्यक्ष प्रकाश जठेड़ा ने बताया कि विद्यार्थियों को पर्यावरण प्रचार प्रमुख सिद्ध भटनागर पर्यावरण संरक्षण गतिविधियों से आज के युग में हो रही जल समस्या से राहत दिलाने के लिए पानी का महत्व समझाया और वृक्षारोपण करने के लिए कहा। कार्यक्रम का शुभारंभ प्रसिद्ध गायक होतचंद मोरियानी, पूनम गीतांजलि एवं बच्चों द्वारा पेड़ लगाने व जल बचाने संबंधित गीत प्रस्तुत किए। बंडागर साहब का हार्दिक अभिनंदन करते हुए कि अपने कीमती वक्त में से समय निकालकर हमारे बच्चे बना रहे हैं, हम सबका व बच्चों का मार्गदर्शन करेंगे। वह एक पेड़ आपके हाथ से आज लगाकर शुरुआत करेंगे। वो पेड़ मैंने लगाया तो मैं उसको रोज पानी बुलाऊंगा, रोज मैं उसकी रखवाली करूंगा, ये संकल्प हमको लेने के लिए आज दिन है। और मेरे घर के आसपास यदि पेड़ लगाना है तो बंडागर साहब को नाम लिखवाएंगे, अपने घर के एड्रेस लिखाएंगे, वहां पर पेड़ लगाने के लिए ट्री कार्ड लगाने के लिए आप प्रयास करते हैं। समर कैंप चल रहा है जिसमें छोटे छोटे घरे बच्चे हैं और उसमें पर्यावरण को लेके विषय रखना है, तो आज जो भी बात मैं करूंगा थोड़ी सी देर की 5-10 मिनट में, बहुत सिंपल सिंपल चीजें होंगी जो आप अपने दैनिक जीवन में जिसको उतार सकते हैं। कोई बहुत बड़ी बात नहीं करूंगा कि कार्बन सिक्वेस्ट्रेशन हमारे हो रहा है, पर्यावरण में ओजोन लेयर में छेद हो रहा है, ऐसी कुछ बातें नहीं करूंगा। ऐसी चीज जो हम रोज कर सकते हैं अपने जीवन में, केवल उसी की बात करूंगा, क्योंकि ये तो आप सब लोगों को पता होगा कि आज के टाइम में हम सब ने पर्यावरण को लेकर कुछ ना कुछ बातें सुनी होगी या पढ़ी होगी कि पर्यावरण में कुछ दूषित हो रहा है, हमारा जो जो ग्लोबल टेम्परेचर है वो बढ़ रहा है, ये सब लोगों ने सुनी है, किस किस ने सुनी है वो हाथ ऊपर करो। सही बात है, नीचे कर लीजिए। अब एक बात बताओ, हम सबके सामने एक प्रॉब्लम है कि पर्यावरण में प्रदूषण बढ़ रहा है जिसके कारण अनेकों बीमारी बढ़ रही है। अभी कुछ समय पहले हमने देखा कोरोना की बीमारी है, वो समवॉट रिलेटेड टू एनवायरमेंटल डिग्रेडेशन ही है। तो हम लोग क्या हाथ पे हाथ धरे बैठे, या युवा होने के नाते, देश के युवा होने के नाते जो जंग है या जो प्रॉब्लम है इसका कुछ सॉल्व करें, आप बताओ क्या करना चाहिए। एग्जैक्टली, हम सबको इस देश के युवा होने के नाते इस प्रॉब्लम के लिए लड़ना चाहिए, इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए हमारा 100% देना चाहिए। लेकिन अब सवाल आता है कि हम करें क्या। सबको पता है प्रॉब्लम है, अभी गर्मी इतनी बढ़ गई है। आपको एक फैक्ट बताना चाहूंगा कि पिछले 30 साल में जितनी गर्मी बढ़ी है ड्यू टू इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन या जो भी हमारे व्हीकल्स इतने बढ़ गए हैं, पोल्यूशन हो गया, 6 करोड़ साल पहले तक जितनी गर्मी बढ़ी है वर्सेस 30 साल में जो गर्मी बढ़ी है, ये 30 साल में बढ़ी हुई गर्मी ज्यादा है। 6 करोड़ साल में जितने जीव जंतु इस पृथ्वी पे थे उसमें से 70% जीव जंतु जो हैं माइक्रो ऑर्गेनिज्म से लेके प्लांट्स एनिमल्स वो इस 30 साल में नष्ट हो गए हैं, तो बायोडायवर्सिटी कम हो गई है। तो ये चैलेंजेस बहुत सारे हैं, करना कुछ पड़ेगा और हम लोग जब तक सब एक साथ। द वुडक्राफ्ट की ओर से स्वामी न्यूज के 19 वर्ष पूर्ण होने पर हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं। द वुडक्राफ्ट आर्किटेक्चर इंटीरियर फिट आउट्स, कस्टमाइज्ड एंड मॉड्यूलर फर्नीचर, जनरल कॉन्ट्रैक्टिंग डिजाइन एंड बिल्ड, रेस्टोरेशन एंड रिफर्बिशमेंट। कॉन्टेक्ट करें 9414002004, नंबर एक बार फिर 9414002004। अजमेर में 19 वर्ष पूर्ण होने पर हार्दिक बधाई अर्पित करता हूँ। स्वामी न्यूज लंबे समय से अजमेर के दर्शकों का देश विदेश के लेटेस्ट समाचारों से एवं अजमेर की अन्य सेवाओं के ऊपर जो है विस्तार से जो है समय समय पर जो है ये न्यूज चैनल बहुत ही प्रशंसनीय कार्य कर रहा है। मैं उम्मीद करता हूँ
आने वाले वर्षों में ये भी जो है राष्ट्रीय स्तर का चैनल बनेगा और अजमेर जिले के दर्शकों का जो है, अजमेर जिले के दर्शकों का ही नहीं अपितु पूरे प्रदेश और देश के दर्शकों के लिए जो है एक प्रमुख चैनल बनेगा। अजमेर डेयरी जो है दर्शकों से और उपभोक्ताओं से विश्वास दिलाती है कि हमने दूध उत्पादकों के करीब 55 रुपये प्रति लीटर का भाव दे रहे हैं, फिर भी हम जो है उपभोक्ताओं के लिए गत 2 वर्षों से हमने दूध के भाव में कोई वृद्धि नहीं की है और भविष्य में भी निकट भविष्य में हम किसी प्रकार की वृद्धि नहीं करेंगे। मैं पुणे स्वामी न्यूज के उज्जवल भविष्य की कामना करता हूँ। ग्रीन वैली रिसोर्ट फैमिली के लिए सुंदर हरा भरा रिसोर्ट एंड रेस्टोरेंट्स, बर्थडे पार्टीज, मैरिज, किटी पार्टी, एनिवर्सरीज और अन्य आयोजन के लिए एसी रूम, स्विमिंग पूल और गार्डन उपलब्ध है। ग्रीन वैली रिसोर्ट, खरखेड़ी पुष्कर रोड, अजमेर। तो आज ही संपर्क करें 9784314877, 9414205740, 9928005740। सद्गुरु इंटरनेशनल स्कूल अजमेर हर एक प्रकार की आधुनिक सुविधाओं से सुसज्जित, 7 नेशनल स्पोर्ट्स कोर्ट के साथ एडमिशन ओपन। सद्गुरु इंटरनेशनल स्कूल, पृथ्वीराज नगर ए ब्लॉक के सामने, पंचशील नगर, अजमेर। संपर्क करें 7300303072 और 7073471999। श्री लक्ष्मी विहार, फाइसागर रोड, अजमेर। क्या आप फाइसागर रोड पर नई कॉलोनी में अपना प्लॉट लेना चाहते हैं? तो तुरंत संपर्क करें 7737226695। हमारे यहाँ उपलब्ध है 65 गज से लेकर 180 गज तक के प्लॉट्स। आज ही बुक करें, बने अपनी जमीन के स्वयं मालिक। अगर आप बना बनाया मकान भी लेना चाहते हैं तब भी संपर्क करें 8302503428। श्री लक्ष्मी विहार, फाइसागर रोड, अजमेर।